कि आपका भी टेबल फैन स्पीड कम दे रहा है, तो आज हम टेबल फैन रिपेयर करके दिखाएंगे आपको। मैं फटाफट से टेबल फैन के पीछे वाले भाग को खोल लेता हूँ। तो ये हमने पीछे वाला भाग खोल दिया है। अब हमें ये कैपेसिटर निकालना है और इसमें से ये 315 वाला कैपेसिटर डालना है। एक और आता है 250 आता है, लेकिन हमें ज़्यादा फैन पुराना हो चुका है तो 315 ही डालना पड़ेगा। चार महीने चलने के बाद इसमें 350 ही डालना पड़ता है। देखिए ये फैन नया था तो इसके अंदर 250 था, तो हम रिप्लेस कर देंगे और 315 डालेंगे ताकि ये फुल स्पीड में चलने लगे। आप चाहे तो इसे घर पे भी बदल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक एक वायर छुड़ा के कैपेसिटर के एक एक वायर को जोड़ते रहना है। ये मार्केट में आपको 30-40-50 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो अब हमें थोड़ा जुगाड़ भी करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें हैंगिंग कुछ भी नहीं आता है हैंगिंग करने के लिए। तो हम टेप की मदद से हैंगिंग करने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ कर देंगे। हमने अच्छी तरह से कस दिया है, अब यह हिले डुलेगा नहीं। अब मैं फटाफट से इस ढक्कन को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने स्विच ऑन कर दिया है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है, अब इसे फुल स्पीड में करके देखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड ले रहा है। ऐसे देखते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।